गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट पार्ट सेकंड में देखेंगे NH3 मॉलिक्यूल एंड NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स। पार्ट सेकंड केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप पढ़ना है अकॉर्डिंग टू VVT एंड वेस्पर थ्योरी से। तो इसका ए पार्ट हो जाएगा NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल का हमको हाइड्रोजन ज्योमेट्री सेम निकालना है। तो 1H3 हाइड्रोजन, टोटल मॉलिक्यूल 4 हो गए। सबसे कम अमाउंट में नाइट्रोजन है तो ये आपका सेंट्रल एटम कहलाएगा। देन हाइड्रोजन लिगेंड कहलाएगा, 3 कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस मॉलिक्यूल में NH3 में सेंट्रल एटम पूछा जाएगा नाइट्रोजन, लिगेंड पूछा जाएगा H, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड पूछा जाएगा 3 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो 3। तो जो भी हाइड्रोजन ज्योमेट्री सेम निकालेंगे NH3 के लिए, मैं किसके लिए निकालेंगे, सेंट्रल एटम N के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं इसमें हम, नंबर 1 टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन N एटम होते हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में। अब इसका हम सेल में इलेक्ट्रॉनों को फील करेंगे के एल एम एन ओ में, ऑक्टल होता है 2 एंड 5। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 आगे, इसकी बैलेंसी कितनी होगी 8 करने के लिए 3। ये नाइट्रोजन की बैलेंसी होगी या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगी। देन सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका रहेगा 1s2, 2s2, 2p3। ये प्रिंसिपल नंबर चेंज आ गया तो कॉमा यहां पर आएगा, इनके बिटवीन नहीं आएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 2s2, 2p3। देन थर्ड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के हमारे 3 पार्ट रहते हैं। नंबर ए ग्राउंड स्टेट, जब इसकी लोएस्ट एनर्जी होती है तो उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ऐसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फील करते हैं उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ N यानी नाइट्रोजन एटम। क्या रखेंगे, 2s2 2p3, 2 2 प्रिंसिपल नंबर, s और p ऑर्बिटल, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, s में 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। तो यहां इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसको फिल करना है। ये s ऑर्बिटल एंड ये p ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल हो गए, यहां लिख दो 2s2, यहां पर 2p3। इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 1 2 3। देन b पॉइंट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ N स्टार एटम। जो एक्साइटेड स्टेट है उसको हम मॉलिक्यूल को देखेंगे कि मॉलिक्यूल में कितने लिगेंड्स है, और जो हमने एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट बनाई है उसमें ऑर्बिटल कैसे वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास NH3 है, कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड। तो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन के बाद 3 3 1 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 इलेक्ट्रॉन ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से लेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां देखिए इसके पास कितने हैं ऑर्बिटल खाली है, 1 2 3। तो यही इसके बाद 3 है, 3 हमको खाली चाहिए होते हैं वैकेंट, तो यही इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। टू एस टू, 2p3, 1 2 1 2 3। देन सी पार्ट इसका रहेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
NH3 मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो देखिए, इसको ऐसा रख दो जो हमने बना रखा है, 2s2 2p3 1 2 3 2p3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। एन देखिए, हाइड्रोजन इसमें फिल कर दो, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट हाइड्रोजन एसी, सेकेंड हाइड्रोजन एसी SH, थर्ड हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, एक एस ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका 11th 12th BSc प्रीवियस एंड MSc के लिए, MSc प्रीवियस के लिए भी है, ऐसे क्वेश्चन भी वहां आते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा फोर्थ, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, देन इसी का नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए टोटल कितने हैं, 1s 3p 4 है, तो 4 में से 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 3 बॉन्ड पेयर, जो छूट गया है बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है 1, ये लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जब भी होते हैं तो ज्योमेट्री इरेगुलर होती है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। सपोज करो इसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो इसका sp3 आ गया था, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती टेट्राहेड्रल, बट ऐसा नहीं है। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें रिपल्सन हो रहा है, कौन सा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। फिफ्थ पॉइंट, ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री जो अभी हमने पार्ट इससे पहले वाले पार्ट 1 में पढ़ा था, H3O पॉजिटिव, उसी के जैसा इसकी ज्योमेट्री होती है, पिरामिडल, पिरामिडल शेप। देन सिक्स पॉइंट शेप, यहां पर शेप बना रहे हैं, एंड यहां पर आ जाएगा लोन पेयर 1H 2H 3H। ये हाइड्रेशन ज्योमेट्री और शेप हमने निकाल दिया है NH3 मॉलिक्यूल का, जिसका हाइड्रेशन sp3 होता है और ज्योमेट्री पिरामिडल होती है। तो यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। फिर पार्ट बी में इसका बी देखेंगे हम, NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स। अब देखिए बी, NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स। पॉजिटिव का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस अगर आ गया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 पॉजिटिव आया है, इसका मीनिंग है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है। 2 पॉजिटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 3 पॉजिटिव होता 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। सपोज करो निगेटिव होता तो निगेटिव का मीनिंग होता 1 निगेटिव का मीनिंग सेंट्रल एटम पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया है, 2 नेगेटिव होता 2 इलेक्ट्रॉन गेन, ऐसे 3 नेगेटिव होता 3 इलेक्ट्रॉन गेन, वो भी किसके लिए, सेंट्रल एटम के लिए। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम होते हैं 7, हम निकाल रहे हैं एन प्लस की बात कर रहे हैं, तो एन प्लस में क्या आ जाएगा, 7 - 1 हो गया 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 and 4, इसकी बैलेंस यहां पर हो जाएगी 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 के लिए 1s2, 6 के लिए 1s2, 2s2, 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, 1s2, 2s2, 2p2।
हाइब्रिडाइजेशन देखिए ग्राउंड स्टेट ऑफ एन प्लस एटम क्या हो जाएगा एस एच टू एच टू टू पी टू, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रहेगा। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन पॉजिटिव स्टार एटम कितने खाली चाहिए, फोर लिगेंड है लेकिन हमारे पास ऑर्बिटल खाली दो ही है तो हमको फोर चाहिए, तो फोर कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिसुक एरो से करना ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया एक तो फोर खाली हो जाएंगे। मूव ऑफ वन इलेक्ट्रॉन करोगे तो फिसुक एरो लगाओगे, अगर आपने फ्लड एरो बना दिया इसके मीनिंग है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव हो गए हैं। देन ये हो गया तो ये कैसे बना ऐसे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो क्या आ जाएगा 2s1 यहां पर 1 रहेगा एंड 2p3 ऐसा हो जाएगा। देन सी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं 2s1 2p1। तो देखिए SH कर लिया हमने तो यहां पर भी क्या आ जाएगा एक हाइड्रोजन और आ जाएगा H। अब देखिए हाइड्रेशन क्या आ गया 1s 3p, टोटल 4 हो गए तो बॉन्ड पेयर क्या है 1 2 3 4, 4 के 4 आपके बॉन्ड पेयर आ गए हैं और यहां पे लोन पेयर कुछ नहीं बचा 0। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, रेगुलर ज्योमेट्री हो जाती है। रेगुलर ज्योमेट्री हो गई तो हम यहां पर देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसको हम क्या लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल डी टेट्राहेड्रल। देन इसका शेप देखिए, शेप पिरामिडल जैसा ही बनेगा लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, एच आ गया तो ये बन गया यहां बाहर से पॉजिटिव, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। तो पार्ट सेकेंड भी हमारा NH3 एंड NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का कंप्लीट हो चुका है, इसका हाइड्रोजन sp3 एंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू सो मच।